दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। अर्शिया ईसा शाह आए और जहेज के लानत के उनवान पर तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यसलूना फी बुतूनिहिम इलन नार व आए नाकामी मताए कारवा जाता रहा व आए नाकामी मताए कारवा जाता रहा कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा मेरे और बहुत ही ज्यादा काबिल कद्र आजादी उलमा इकराम और बुजुर्गान दिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अजीज साथियों, आज मैं आपके दरमियान इस ईवान को लेकर आई हूँ कि जहाँ समाज में दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मुझे माफ कीजिए, मुस्लिम समाज में तो दहेज के मर्ज में, दहेज की फिक्र में कुछ ज्यादा ही गिरफ्तार है। अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे दीनदार तबके भी इस दहेज में कहीं ना कहीं मुलव्वज़ जरूर है। आज इसीलिए शादियाँ बहुत ही महंगी और मुश्किल तरीन हो गई है, बल्कि इस्लाम में सबसे आसान चीज अगर कोई है तो वो है निकाह शादी। लेकिन हाय अफसोस, दहेज की डिमांड है इस आसान चीज को बहुत ही मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, दहेज ने समाज में कितनी बुराइयों को जन्म दिया। स्त्री भ्रूण हत्या आम हो गई, जीना आसान हो गया, माँ बाप खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, बेटी की पैदाइश को मनहूस और बहुत समझा जाने लगा। याद रखो, बेटी के बाप से किसी भी चीज की फरमाइश करना, चाहे वो बारातियों का खाना हो या शादी का हॉल हो या कपड़ों की रकम मुतालबा करना, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज का मुतालबा करना, दहेज में शामिल है। दहेज अल्लाह की रसूल की निगाह में सबसे ज्यादा लानत बड़ी चीज है। दहेज एक बेबरकत नौसत वाली चीज है। दहेज शादियों की टूटने की एक वजह भी है। दहेज की वजह से हमारी जवान बेटियां घरों पर बैठी है। बस इसी बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम।